दोस्तों आज हम इन मोबाइलों की बॉडी क्वालिटी यानी मोबाइल कितने मजबूत है और ये कितने टिकाऊ है इन मोबाइलों को हाइड्रोलिक मशीन के बीच में रखकर देखेंगे। फर्स्ट नंबर पर है हमारा प्यारा नोकिया 3310 है, जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि यह मोबाइल बिल्कुल चल्लू कंडीशन में है। दोस्तों सेकेंड नंबर पर है आईफोन 4 जो बिल्कुल चल्लू कंडीशन में है। थर्ड नंबर पर है हमारा C8B25 जिसकी बॉडी क्वालिटी देखने में ही दिख रही है। अब देखना होगा कि इन तीनों मोबाइलों में से कौन कितना वजन सहन कर सकता है। फर्स्ट नंबर पर लेते हैं हम आईफोन 4। आईफोन 4 को हाइड्रोलिक मशीन के बीच में रख दिया है, अब इस पर वजन डालना शुरू करते हैं। 200 kg पर आईफोन के मोबाइल पर बॉडी क्रैक होना शुरू हो गई थी। अधिकतम आईफोन मात्र 443 kg का वजन सहन कर सका, लेकिन आईफोन के मोबाइल भी कितने मजबूत होते हैं आप इसका उदाहरण देख सकते हो। सेकेंड नंबर पर लिया जाता है C8B25 मोबाइल, इसको भी हाइड्रोलिक मशीन के बीच में रखकर वजन डालना शुरू करते हैं। दोस्तों C8 के मोबाइल बहुत ही मजबूत मोबाइल है, इसलिए इसने 1029 kg का वजन भी सहन कर पाया। आपका अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह मोबाइल कितना खतरनाक मोबाइल है, लगभग 1000 kg के वजन को भी सहन करने की क्षमता रखता है C8 का मोबाइल। C8 का वजन सहन करने के बाद C8 का मोबाइल भी बिल्कुल चूरा हो गया हाइड्रोलिक मशीन के सामने। थर्ड नंबर पर लिया जाता है नोकिया 3310। नोकिया 3310 का बारी आते ही उस पर भी वजन डालना शुरू किया जाता है हाइड्रोलिक मशीन के बीच में रखकर। नोकिया 3310 28 kg के वजन के बाद डैमेज होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी नोकिया 3310 ने 700 kg का वजन सहन कर पाया। आपको इन तीनों मोबाइलों में से कौन सा मोबाइल पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंटरेस्टिंग फैक्टों के साथ।